भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। यहां दूर दूर तक फैला थार का रेगिस्तान है। यानी रेत का समंदर। यहां बारिश सबसे कम होती है और गर्मी सबसे ज्यादा, इसीलिए इस क्षेत्र का जीवन भी सबसे अलग है। चाहे कृषि प्रजातियां हों अथवा पशु प्रजातियां, कम बारिश और लगातार अकाल के कारण यहां कृषि पर निर्भरता भी कम है, इसलिए पशुपालन यहां के जीवन का मुख्य आधार है। गाय, भैंस और ऊंट के अलावा भेड़ यहां पशुधन का मुख्य हिस्सा हैं। भेड़ों में विभिन्न आयामों पर अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार ने सन 1962 में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 85 किलोमीटर दूर मालपुरा में स्थापित यह संस्थान एशिया का प्रमुख संस्थान है। 1510 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस संस्थान के देश में 3 उपकेंद्र भी हैं। पहला उपकेंद्र 1963 में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रीय केंद्र के नाम से, दूसरा सन 1965 में तमिलनाडु के कोडाई कैनाल में दक्षिण क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के नाम से, तथा तीसरा सन 1974 में बीकानेर में मरुक्षेत्रीय परिसर के नाम से स्थापित किए गए। ये संस्थान भेड़ और खरगोश के उत्पादन की सभी मूलभूत और व्यावहारिक तकनीकों पर शोध करता है। इसके साथ ही मांस, तंतु और खाल की तकनीक का विकास कर उसका प्रमाणीकरण, भेड़ और खरगोश उत्पादन तथा उपयोगिता पर प्रशिक्षण, विकसित तकनीकियों को किसानों, शिल्पकारों और विकास कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना तथा इसके संबंध में विशेषज्ञ और परामर्शदात्री सेवाएं देता है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अनेक महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित करने में सफलता हासिल की है। इसमें मांस के लिए मेमना उत्पादन तकनीक, ऊन तथा ऊंट के बालों के मिश्रण से तैयार ऊनी उत्पाद और हस्त निर्मित नमदे, भेड़ों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य प्रबंध, पशुधन फार्म के लिए बीमारियों के आंकड़ों की सूचना पद्धति, तरल हिमीकृत वीर्य द्वारा भेड़ों में कृत्रिम गर्भाधान, अधिक चारा उत्पादन के लिए वन चारागाह विकास, कम गुणवत्ता वाले भूसे का यूरिया उपचार द्वारा परिपूर्णन तथा मोटे चारे और दाने के मिश्रण से संपूर्ण आहार वट्टिका का विकास करना मुख्य उपलब्धियां हैं। संस्थान में शोध कार्य के लिए कई विभाग हैं। इनमें पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग, पशु पोषण विभाग, चारा एवं चारागाह विभाग, पशु स्वास्थ्य विभाग, ऊन प्रौद्योगिकी विभाग, खरगोश पालन विभाग, मांस विज्ञान विभाग तथा तकनीकी स्थानांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग प्रमुख हैं। पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग ने शुरू में विदेशी नस्लों के साथ संकर प्रजनन द्वारा अविकालीन, अविवस्त्र, अविमांस तथा भारत मेरिनो नस्लों का विकास किया। बाद में संस्थान ने देसी नस्लों जैसे मालपुरा, मारवाड़ी, चोकला तथा मगरा नस्लों को चयनात्मक विधि से संवर्धित किया। भेड़ों में बहुप्रसूता के लिए गिरौल और मालपुरा नस्लों को मिलाकर नई जीएम नस्ल विकसित की है, जो मांस उत्पादन को बढ़ाने में सहायक है। शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग ने मेड़ों के वीर्य को संरक्षित करने के लिए हिमीकृत प्रोटोकॉल विकसित किया। भेड़ों की नस्ल सुधार के लिए तरल वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान पद्धति तथा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का विकास किया है। भेड़ों को एक साथ मद में लाने के लिए स्वदेशी स्पंज विकसित किए हैं। अर्धशुष्क जलवायु में विभिन्न भेड़ नस्लों की अनुकूलता पर शोध किए गए। पशु पोषण विभाग ने सघन खिलाई पिलाई पद्धति द्वारा मेमनों के पालन में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
प्राकृतिक आपदा अथवा सूखे की स्थिति में भेड़ों के पोषण के लिए संपूर्ण आहार वट्टिका तैयार की है। भेड़ों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए क्षेत्र आधारित खनिज मिश्रण तैयार किया है। इसके अलावा सूखा चारा, अनाज, मूंगफली तथा तिल की खली, खनिज मिश्रण और नमक मिलाकर ऐसा पौष्टिक आहार विकसित किया है जो किसानों को दोगुना लाभ दिला सकता है। चारा एवं चारागाह विभाग ने पशु चारे के विकास की पद्धतियां विकसित की हैं। इसमें कृषि वानिकी, वन चारागाह और उद्यान चारागाह प्रमुख हैं। त्रिस्तरीय कृषि वानिकी पद्धति में खेजड़ी और अड़ू के पेड़ों के साथ साथ दोनों ओर सेवन और अंजन घास के साथ फसल लगाई जाए तथा बीच में चारा झाड़ियां लगाई जाएं। इससे अधिकतम अनाज, चारा और ईंधन लकड़ी एक साथ प्राप्त की जा सकती है। ये पद्धति पशुपालन को सुदृढ़ करके किसान की आय को सुनिश्चित करती है। पशु स्वास्थ्य विभाग रोगों का निदान और रोकथाम के उपायों को विकसित करके रेवड़ में मृत्यु दर में कमी करने का काम करता है। विभाग ने बीमारियों के आंकड़े को कंप्यूटर पर व्यवस्थित करके सूचना तंत्र का विकास तथा रेवड़ के लिए सुनियोजित वार्षिक भेड़ स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया है। विभाग के अनुसंधान के आधार पर भेड़ों को साल में चार बार अंतः कृमिनाशक दवा पिलाने के स्थान पर एक बार ही दवा पिलाकर अनावश्यक खर्च को कम किया। भेड़ों में अंतःकृमियों के नियंत्रण के लिए एनीमिया चार्ट तथा चयन पद्धति द्वारा अनुवांशिकी प्रतिरोधकता का विकास किया है। पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम द्वारा रेवड़ में वार्षिक मृत्यु दर 20% से घटाकर 5% करने में सफलता हासिल की है। ऊन प्रौद्योगिकी विभाग ऊन की गुणवत्ता एवं मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए कार्य करता है। विभाग ने मगरा और मारवाड़ी भेड़ से प्राप्त ऊन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला हस्तनिर्मित कालीन बनाने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा भारत मैरिनो तथा अंगोरा रेशों को मिलाकर उच्च गुणवत्ता के शॉल बनाने की तकनीक को विकसित कर व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया है। साथ ही ऊन के अन्य उत्पाद जैसे कंबल, फेल्ट के निर्माण एवं वनस्पति रंगों के उपयोग पर शोध किया जा रहा है। संस्थान में खरगोश के मांस, खाल तथा ऊन के उत्पादों को विकसित कर खरगोश पालन को अधिक लाभदायी व्यवसाय बनाया जा रहा है। खरगोश की खाल से टोपी, दस्ताने, पर्स, जैकेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं। दूध तथा मांस वृद्धि के लिए सिरोही नस्ल की बकरियों पर भी शोध किए जा रहे हैं। मांस विज्ञान विभाग भेड़ों में शरीर के विभिन्न हिस्सों के मांस की गुणवत्ता का आंकलन करता है। साथ ही इस विभाग में मांस के मूल्य संवर्धन के लिए नए स्वादिष्ट उत्पाद बनाने पर शोध किया जाता है। तकनीकी हस्तांतरण एवं सामाजिक विज्ञान विभाग संस्थान द्वारा विकसित की गई विभिन्न तकनीकियों को भेड़ पालकों तक पहुंचाता है। इसके लिए संस्थान अंगीकृत गांवों में भेड़ पालकों को उन्नत मेड़े उपलब्ध कराता है। गांवों में शिविर, संगोष्ठी, प्रशिक्षण और अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा नई तकनीक की जानकारी दी जाती है। भेड़ पालकों के जीवन स्तर पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। ये विभाग देश भर में लगने वाले विभिन्न कृषि एवं पशु मेलों में प्रदर्शनी भी लगाता है। दिस टेक्नोलॉजी ऑन ब्रीडिंग, फीडिंग, फिजियोलॉजिकल मैनिपुलेशन, हेल्थ कवरेज, वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट हैव बीन डेमोंस्ट्रेटेड इफेक्टिवली इन द रीजन व्हिच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द फार्मर एंड दे आर बीइंग प्रैक्टिस्ड नाउ। द टेक्नोलॉजी व्हाट वी प्लान टू कम आउट इन फ्यूचर इज द 3 ब्रीड क्रॉस 100% नेटिव, मालपुरा, गैरोल एंड पाटनवाड़ी। दिस पर्टिकुलर से क्रॉस एनिमल, 3 ब्रीड क्रॉस एनिमल विल बी effectively used for say improvement in mutton production, carpet wool production.
Now, as regards future development strategy, we have, say, a new breed we have identified in coastal Odisha, that is Kendrapada. This is a relatively heavier breed, and it has specialty of prolificacy, that distribution of FACB gene, which can be effectively utilized for improving production. So this is enough to indicate here that from one sheep by this three breed cross development, we are able to harvest 95 kg finishing weight per year from a single ewe, which was never possible earlier. The earlier concept was maximum 20 kg, 25 kg. So this particular angle need to be transferred to the field condition, and we are very much interested to go for development of a two-tier system in development program. One, the technology for the farmer, other the technology for the entrepreneurs. Till the trade is commercialized, the future of the trade is minimal and it cannot be exploited fully. So for that reason, we want to involve entrepreneurs in the trade of meat and wool production so that that can be effectively utilized and the value addition could be done suitably. केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान ने अपने सतत प्रयासों से भेड़ उत्पादन तकनीक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संस्थान ने नई नस्लें और तकनीक विकसित की है। उसका प्रभाव राजस्थान के पशुपालन परिदृश्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। संस्थान के प्रयासों का सफर अभी जारी है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें डायरेक्टर सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर 304501 राजस्थान फोन 9114372201 62 पैक्स 9114372201 63 ईमेल cswriavikanagar@yahoo.com वेबसाइट www.cswri.res.in ग्राम शीप इंस्ट मालपुरा